आइए प्रारंभिक व्याकरण प्रवेश की कक्षा में हम पहले एक श्लोक से शुरू करते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् वत्सो विन्दति मातरम् यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारम् अनुगच्छति। अर्थ देखते हैं इसका। सबसे पहले विभक्ति वचन कर लेते हैं अर्थ करने के लिए। यथा माने यथा क्या है? अव्यय पद। धेनु सहस्रेशु ये क्या है? षष्ठ्या एक वचन। बालकेशु कहाँ रूप बनता है? बालकेशु मित्रेशु। तो ऐसे ही धेनु सहस्रेशु कहाँ का रूप हो जाएगा? सप्तम्याः बहुवचनम्। वत्सो विन्दति मातरम्, इसको संधि में अलग करेंगे तो क्या है ये? वत्सः। तो कहाँ का विभक्ति वचन क्या होगा इसके? प्रथमायाः एकवचनम्। और विन्दति ये रूप कहाँ का रहेगा? क्रियापद। मातरम् द्वितीयायाः एकवचनम्। कैसे रूप चलते हैं? क्या मूल शब्द है इसका? मात्री। क्या मूल शब्द है? फिर रूप कैसे चलेंगे? माता माता मातरौ मातरः मातरम् मातरौ मात्री। ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है? तो बोलते हैं ना वंदे मातरम्। तो मातरम् जो है वो द्वितीय का एकवचन है, मातरम्। फिर तथा है, तथा क्या रहेगा? अव्यय पद। और पुरा कृतम कर्म, पुरा कृतम ये क्या है? प्रथमा यह एक वचन भी हो सकता है, द्वितीया यह एक वचन भी हो सकता है, नपुंसक लिंग में है, ठीक है? तो यहाँ पे अर्थ के अनुसार ये प्रथमा का एक वचन है। क्या है? प्रथमा एक वचन। और ये कर्म, ये कैसे रूप चलते हैं इसके? कैसे पता चला आपको प्रथमा का एक वचन है? इसका मूल प्रातिपदिक होता है कर्मन। क्या प्रातिपदिक है? कर्मन। उसके रूप कैसे चलते हैं? कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है? कर्म कर्मणि कर्माणि। तथा पुरा कृतम कर्म कर्तारम् अनुगच्छति। इसमें दो शब्द है ना, कौन कौन?
कर्तारम और अनुगच्छति। तो कर्तारम फिर से जो है मातरम की जैसे ही है ना, कर्तारम भी इसका मूल शब्द क्या होता है, कर्त्री। क्या होता है, कर्त्री। इसके रूप कैसे चलेंगे फिर, कर्ता कर्तारु कर्तारह कर्तारम कर्तारु कर्त्रीन। तो कर्तारम, कर्तारम क्या हो गया, ये द्वितीय यह एकवचनम। और अनुगच्छति क्रियापद है, अनु तो उपसर्ग है और गच्छति क्या है, क्रियापद है। ठीक है, तो ये हमारे विभक्ति वचन हो गए। अब इसका अर्थ देखते हैं। ये पूरा भी अलग है, पूरा भी जो है वो अव्यपद है अलग से। हाँ, पूरा अलग है, कृतम अलग है, कृतम प्रथमा का एकवचन, और पूरा एक अलग पद है, वो भी अव्यपद रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। यथा माने जैसे, धेनु सहस्रेशु। अब यहाँ पे दो शब्द मिले हुए हैं ना, कौन कौन, धेनु और सहस्रेशु। ठीक है, और जब दो पद मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है वहां पे, समास। तो यहाँ समास हो रखा है, कौन सा समास हो रखा है, षष्ठी समास है ये, धेनु नाम सहस्रेशु। धेनु सहस्रेशु, बोल के बताइए क्या हो गया, धेनु नाम सहस्रेशु, धेनु सहस्रेशु। ठीक है, धेनु नाम सहस्रेशु माने हजारों गायों में से, धेनु माने गाय और सहस्रेशु माने हजारों में से। तो हजारों गांवों में से, यथा जैसे, वत्सह। वत्स किसको कहते हैं, गाय का जो छोटा बछड़ा होता है, बालक। ठीक है, तो यथा जैसे, धेनु सहस्रेशु, हजारों गायों में से भी। ये सप्तमी है ना, ये सप्तमी आप लोग पढ़ चुके होंगे रचनानुवाद कौमुदी में, सप्तमी निर्धारण में भी होती है, पढ़ा है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति निर्धारण में होती है। जैसे हम कहें कि सभी बालकों में राम श्रेष्ठ है, तो बालका नाम राम श्रेष्ठ बोलते हैं, और क्या भी बोलते हैं, बालकेशु राम श्रेष्ठ। ठीक है, दोनों बोलते हैं, बालका नाम राम श्रेष्ठ और बालकेशु राम श्रेष्ठ, दोनों तरह से बोलते हैं ना। तो ये बालकेशु राम श्रेष्ठ जो बोल रहे हैं, ये सप्तमी कौन से अर्थ में आई है, निर्धारण अर्थ में आई है। हम बहुतों में से एक को छाट रहे हैं ना, बालकेशु राम श्रेष्ठ। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि धेनु सहस्रेशु, हजारों गायों में से भी जो बछड़ा है वो क्या कर लेता है, विंदति, वो प्राप्त कर लेता है। विंदति माने प्राप्त कर लेता है, ढूंढ लेता है। किसको ढूंढ लेता है, मातरम, अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ठीक है, आपको पता है गाय का बछड़ा जो है वो इतना समझदार होता है कि उसको जो है वो हजारों गायें जहाँ बंधी हुई हों या हजारों गायें जहाँ हों और उस एक बच्चे को छोड़ दो, तो फिर वो अपनी ही माँ के पास जाकर के पहुंच जाता है। ठीक है, उसको ढूंढने में जो है वो कोई परेशानी नहीं होती, चाहे कितनी ही गायें हों, सैकड़ों हजारों लाखों गायें हों, वो बच्चा कहाँ पहुंच जाता है, अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसे ये उदाहरण दिया है, यथा जैसे ऐसा होता है, जैसे वत्स कहाँ पहुंच जाता है, हजारों गायों में से ढूंढ के अपनी माँ के पास ही पहुंच जाता है। तथा तथा माने उसी प्रकार से, पूरा माने पहले। ठीक है, पूरा अव्यपद होता है, किस अर्थ में, पहले। तथा उसी प्रकार पूरा पहले, कृतम माने किया गया, कृतम माने किया गया, कर्म तो कर्म ही है। ठीक है, तथा पूरा कृतम कर्म, उसी प्रकार से पहले किया गया जो कर्म है, वो कर्म कर्तारम अनुगच्छति, कर्ता को अनुगच्छति, प्राप्त कर लेता है, कर्ता के पास पहुंच जाता है। ठीक है, हमने जो पहले काम किए हैं, आज से पहले जो भी कर्म किए हैं, वो किसके पास आ जाते हैं, लौट करके हमारे ही पास आते हैं, माने उसका फल जो है वो हमें अनिवार्य रूप से मिलता ही मिलता है।
जो भी हम कर्म कर देते हैं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि देखो ये व्यक्ति जो है वो बहुत खराब कर रहा है, लेकिन इसको इसका फल नहीं मिल रहा है ना, ये तो आराम से सुख से है बहुत निंदित कर्म करके भी। तो ऐसा होता नहीं है, जिसने जो कर्म किया है, जिसने अच्छा किया है, उसका अच्छा फल उसके पास लौट करके आ जाएगा, और जिसने बुरा किया है उसके पास उसका बुरा फल लौट करके आ जाता है। हमारा कर्म हमें जो है वो ढूंढ ही लेता है, हम कितना ही छिपे, ठीक है, सैकड़ों लोगों की भीड़ में जाके छिप जाएं या हजारों लोगों की, कर्म को कोई समस्या नहीं है। जैसे वत्स को कोई समस्या नहीं है ना दीक्षा जी, बछड़े को कोई समस्या नहीं है, वहां पे जो है वो लाखों गायें खड़ी हो या करोड़ों, वो जो है वो अपनी माँ के पास पहुंच ही जाता है। वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल जो है वो हमें आकर के ढूंढ ही लेता है, चाहे हम सैकड़ों दरवाजों के पीछे छुपे हुए बैठे हो, ठीक है। इसलिए जो है कर्म एक महान शक्ति है। अगर जो है हम विपरीत परिणामों को देखना नहीं चाहते अपने जीवन में, तो हमें विपरीत कर्म भी बोलिए नहीं करने चाहिए। जैसा हम फल चाहते हैं वैसे ही कर्म करने चाहिए, ठीक है। अगर हम असत्य का, हिंसा का, क्रोध का आलंबन लेकर के कर्म करेंगे, तो फिर उनका फल जो है वो अवश्यंभावी रूप से हमें आके ढूंढ लेने वाला है, उससे हम बच नहीं सकते कर्म फल से, ठीक है। कभी भी कर्म फल से हम बच नहीं सकते, इसलिए हमें वैसे ही कर्म करने चाहिए जैसे हमें फल चाहिए, ठीक है। चलिए, श्लोक का अर्थ समझ में आ गया, तो आप लोग एक बार बोल के बताएंगे। यथा, यथा माने जैसे, वत्सः बछड़ा, धेनु सहस्रेशु हजारों गायों में से, मातरम विंदती अपनी माता को ढूंढ लेता है, तथा उसी प्रकार वैसे ही पूरा पूरा कृतम कर्म, पहले किया गया कर्म कर्तारम अनुगच्छति, कर्ता को ढूंढ लेता है, अपने करने वाले के पास ढूंढ करके पहुंच ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहें तात्कालिक स्थितियों को देख करके, कि अभी अभी तो झूठ बोल देते हैं, अभी तो बच जाएंगे, अभी तो जो है वो चोरी कर लेते हैं, अभी अभी के लिए तो सुख मिल जाएगा, अभी अभी तो थोड़ा भ्रष्टाचार कर लेते हैं, अभी अभी तो जो है वो सुखी हो ही जाएंगे, अभी अभी तो तात्कालिक हमारी धन आदि की आवश्यकताएं पूरी हो ही जाएंगी, ऐसा सोच करके जो व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर बाद में जो है वो उनको बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि कर्म जो वो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, ठीक है। और जब जब हम असत्य आदि आचरण करते हैं, तब तब जो है वो एक तरह से हम आत्महनन कर रहे होते हैं, अपने स्वयं को जो है वो मार रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो सत्य स्वरूप है, वो असत्य का बोझ जो है वो ज्यादा देर तक सह नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें स्वयं को, स्वयं का हनन नहीं करना चाहिए, सदैव जो है वो शुभ कर्मों में, सत्य कर्मों में ही प्रवृत्त होना चाहिए, निष्काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा बताना चाहते, ठीक है। चलिए इसका उच्चारण कर लेते हैं, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् तथा पुराकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। आप लोग बोलिए, ध्यान से बोलना है, फिर आप तथा
ठीक है, याद हो गया? कौन सुनाएंगे? ज्योति जी बोलिए, बैठिए। तथा पुरा, ठीक है बैठिए। तो एक बार मिलके बोलिए आंखें बंद करके। ठीक है, चलिए अब व्याकरण का भाग प्रारंभ करते हैं। हम बालक शब्द के रूप सीख रहे हैं, है ना, और षष्ठी विभक्ति तक हम सीख चुके हैं। एक बार रूप दोहरा लीजिए। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम्, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम्, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम्, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम्, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानाम्। इतने ही रूप हम सीख चुके हैं, है ना। अब आगे सीखते हैं बालके। क्या सीखना है हमें? बालके कहाँ का रूप है? ये सप्तम्याः एकवचनम्। तो इसमें हमें बहुत थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले तो हम वही अपने 6 स्टेप करके क्या करेंगे, बालक शब्द से प्रत्यय लेके आएंगे। तो एक बार दोहराते हैं। सबसे पहले क्या करें बालक शब्द का? प्रातिपदिक संज्ञा। वो कौन से सूत्र से करते हैं? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कौन बताएगा सूत्रार्थ क्या है अर्थवद धातुर प्रत्यय? हाँ रिया जी। वेरी गुड, बैठिए। अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है धातु और प्राति। ये अर्थवान कैसे है? बालक शब्द अर्थवान कैसे है? हाँ गंगांजलि जी। हाँ, इससे किसी बालक को कह रही है ना, तो ये अर्थवान शब्द है। ठीक है बैठिए। तो ये अर्थवान शब्द है और धातु नहीं है ना। क्यों नहीं है धातु? हाँ क्रिया नहीं है, धातु पाठ में पढ़ा नहीं हुआ है। ठीक है, बालक शब्द तो धातु पाठ में पढ़ा नहीं हुआ है, तो इसकी धातु संज्ञा नहीं है। और प्रत्यय संज्ञा क्यों नहीं है? प्रत्यय के अधिकार में नहीं है, इसलिए इसकी प्रत्यय संज्ञा भी नहीं है। ठीक है, तो बालक शब्द धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, लेकिन अर्थवान तो है, इसलिए इसकी क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातुर सूत्र से। फिर क्या करते हैं हम? हाँ, ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस सूत्र से। कौन से सूत्र से? सौजस सूत्र से क्या कर लेते हैं? 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति कर लेते हैं, 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाती। ठीक है, ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र क्या बोलता है? कौन बताएंगे इधर से ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र क्या बोलता है? हाँ अंतिम जी बताइए। इतना तो ठीक है कि ये एक अधिकार सूत्र है। अब जो अगली पंक्ति बोली है उसको फिर एक बार दोबारा ठीक से बोलने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। बैठिए बैठिए। ज्ञाप प्रातिपदिकात एक अधिकार सूत्र है। आगे आने वाले प्रत्यय सारे के सारे प्रत्यय किससे होते हैं? ज्ञंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से होते हैं। ज्ञंत, आबंत और प्रातिपदिक से आगे आने वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो फिर सौजस सूत्र क्या बोलता है? सौजस सूत्र क्या बोलेगा आप लोग बताएं? हाँ ज्योति जी। सौजस सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है बैठिए।
ज्ञंत, देखो इसका अर्थ क्या है ज्ञा प्रातिपदिकात का, ज्ञंत आबंतोर प्रातिपदिक से आगे आने वाले प्रत्यय होते हैं। इस चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय किससे होते हैं? ज्ञंत आबंतोर प्रातिपदिक से होते हैं। और सौजस सूत्र क्या बोलता है? ज्ञंत आबंतोर प्रातिपदिक से सौजस प्रत्यय होते हैं, माने सारे के सारे सुप प्रत्यय होते हैं। तो सारे सुप प्रत्यय प्राप्त होने लग गए। बालक शब्द से कितने प्रत्यय प्राप्त हुए अमन जी? बालक शब्द से कितने प्रत्यय प्राप्त होने लग गए बोलिए? सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21। तो 21 प्रत्यय प्राप्त होने लग गए। अब 21 नहीं चाहिए ना यहाँ, तो हमें कौन सा प्रत्यय चाहिए? केवल सप्तमी का एकवचन प्रत्यय चाहिए। वो क्या होता है? घी प्रत्यय। ठीक है, तो 21 में से हमें एक रखना है। उसके लिए पहले क्या करेंगे? हम विभक्ति संज्ञा करेंगे। कौन से सूत्र से करते हैं? विभक्तिश्च। विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हो गई। ठीक है, विभक्तिश्च सूत्र से क्या हो गई? विभक्ति संज्ञा हो गई। फिर क्या करते हैं? विभक्ति नियम करते हैं। तो विभक्ति नियम कौन से सूत्र से करें यहाँ पर? सप्तमी का एकवचन बनाना है आपको, तो सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र कौन सा लग जाएगा विभक्ति नियम करने के लिए? सप्तम्य अधिकरणे च। ये सूत्र क्या बोलता है? अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति ही होती है। ठीक है, क्या बोलता है? अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति ही होती है। जब सप्तमी ही होगी, अधिकरण अर्थ में जब सप्तमी विभक्ति ही होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? अन्य विभक्तियां हट जाएंगी। ठीक है, अन्य विभक्तियां हट जाएंगी। अन्य हट जाएंगे तो फिर क्या रहेगा? सप्तमी रह गई। सप्तमी माने गी ओस सुप। ठीक है, बालक शब्द से कौन से प्रत्यय आने लग गए? गी ओस और सुप, ये तीन प्रत्यय आने लग गए। तो सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च क्या बोलता है? अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति ही होती है। सप्तमी होती है माने गी ओस सुप, तीन प्रत्यय प्राप्त हो गए। लेकिन हमें तो एक ही चाहिए। कौन सा? एकवचन। एकवचन नाम किसका है? गी का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी वचन संज्ञा करेंगे। पहले वचन संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? सुपह सूत्र से वचन संज्ञा हो जाएगी। उसका क्या अर्थ है? सुप के जो त्रिक, सुप के तीन तीन प्रत्ययों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा होती है। ठीक है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा। तो घी की क्या हो गई? एकवचन संज्ञा। ओस की क्या हो गई? द्विवचन संज्ञा। और सुप की क्या हो गई? बहुवचन संज्ञा हो गई। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? अब तीनों में से एकवचन प्रत्यय। तो वचन नियम करने के लिए कौन सा सूत्र आ जाएगा? द्वेकयोर द्विवचने। वो सूत्र क्या बोलता है? हाँ, द्वित्व अर्थ को कहने के लिए द्विवचन प्रत्यय ही होता है। एकत्व अर्थ को कहने के लिए एकवचन प्रत्यय ही होता है। द्विवचन बहुवचन नहीं होते, एकवचन ही होता है। तो एकवचन होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा? बालक शब्द से घी प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, बालक शब्द से घी प्रत्यय आ जाएगा। अब इस घी में इत संज्ञा होती है किसी की? इत संज्ञा होनी है किसी की यहाँ पे कि नहीं? होगी। किसकी होगी? पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इत संज्ञा प्रकरण पूरा पढ़ चुके हैं ना। तो घी में इत संज्ञा किसकी होनी है? ईकी की, गकार की? गकार की इत संज्ञा होनी है। कौन से सूत्र से? लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते क्या बोलता है? लशक्व तद्धिते क्या बोलता है? प्रत्यय के आदि लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है तद्धित को छोड़ करके। दोहराइए एक बार, क्या बोलता है? प्रत्यय के, देखो अपनी अष्टाध्यायी निकाल के देखा कीजिए तो आपको जल्दी से याद होगा। वहां पे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ना,
प्रत्यय आदि ही, शह प्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है और आदि ही टुडवह से किसकी अनुवृत्ति आ रही है, आदि ही की अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया, प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है। अतद्धिते, अतद्धिते माने तद्धित को छोड़ करके, ठीक है। तो अब ये प्रत्यय है कि अब इसमें घटाएंगे इसको, तो हमने कहा प्रत्यय का आदि, तो ये पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि घी प्रत्यय है कि नहीं। तो प्रत्यय है, कैसे कैसे पता चला आपको, प्रत्यय के अधिकार में पढ़ा हुआ है इसलिए क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय के अधिकार में है इसलिए प्रत्यय है, ठीक है। अब चाहिए था कि ये प्रत्यय का आदि लकार, आदि लकार तो नहीं है ना, आदि शकार भी नहीं है, तो आदि कवर्ग है, कवर्ग में आ जाता है ककार, ठीक है। तो प्रत्यय का आदि कवर्ग है, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। लेकिन एक बात और भी देखनी है अभी, क्या नहीं होना चाहिए, ये प्रत्यय तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। प्रत्ययों में से कुछ प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया है हमने, तद्धित प्रत्यय। पता है कौन से प्रत्ययों का नाम रख दिया है तद्धित, तो फिर कैसे पता करेंगे कि घी तद्धित में आता है कि नहीं, खोल के देखिए। हमने पहले देखा था, अभी आपको विस्मृत हो गया, चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद में देखिए, क्षेत्र नंबर सूत्र है ना, तद्धिता, ठीक है। चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद क्षेत्र नंबर सूत्र है क्या, तद्धिता, और यहाँ पे आगे अधिकार भी लिखा होगा आपने, क्या लिखा हुआ है, 5, 4, 160, ठीक है। तो माने तद्धिता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तद्धिता सूत्र से लेकर के पांचवें अध्याय के अंतिम तक जा रहा है, ठीक है। तद्धिता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तद्धिता सूत्र से लेके पांचवें अध्याय के अंतिम तक जा रहा है, ठीक है। तो तद्धिता से लेकर के आगे वाले सारे प्रत्यय किस नाम वाले हो जाते हैं, तद्धित नाम वाले हो जाते हैं। प्रिया जी बताओ, तद्धित किसको कहते हैं, हाँ, तो तद्धिता के अधिकार में पढ़े गए प्रत्ययों का नाम तद्धित है। तो तद्धिता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तद्धिता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है दामिन जी, चतुर्थ अध्याय से लेके, चतुर्थ अध्याय पूरे से लेकर के आगे तक। देखो सावधान होके सुननी चाहिए चीजें, प्रथम पाद से लेके नहीं, प्रथम पाद में जो तद्धिता सूत्र है वहां से लेके, ठीक है। बैठिए, समझ में आई बात, किनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय, तद्धिता सूत्र से लेकर के आगे के जो सारे प्रत्यय हैं पंचम अध्याय के अंतिम तक, वो सारे प्रत्यय क्या हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय। बैठिए, तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, तद्धिता सूत्र से लेकर के आगे पंचम अध्याय के अंतिम तक जो सारे के सारे प्रत्यय हैं वो कैसे प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये घी उनमें आता है क्या, ये घी प्रत्यय उनमें है नहीं है, कैसे पता चला नहीं है, ये तो पहले ही आ जाता है, ठीक है। ये तो 4:1:2 में ही है ना, चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र में ही तो ये प्रत्यय है, और वहां तद्धिता का अधिकार नहीं है। तद्धिता का अधिकार तो कहाँ से शुरू होता है, 76 नंबर सूत्र से शुरू होता है, 76 नंबर सूत्र है ना तद्धिता, तो ठीक है। तो तद्धिता अधिकार तो 76 नंबर सूत्र से शुरू होता है, ये प्रत्यय उससे पहले ही है, तो ये प्रत्यय तद्धित नहीं है। सूर्यकांति जी समझ आ गया, ये घी प्रत्यय कैसा प्रत्यय नहीं है, तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो सूत्र की शर्त घट गई ना, दशक को तद्धिते क्या बोलता है, दोहराइए एक बार फिर से, के आदि लकार कवर्ग इत संजक होते हैं तद्धित को छोड़ करके। तो तद्धित नहीं है, ये तद्धित नहीं है और प्रत्यय का आदि कवर्ग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इत संजक हो जाएगा। ये गकार क्या हो जाएगा, इत संजक हो जाएगा, और इत संजक हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः।
तस्य लोपः अदर्शनम् लोपः, तो यहाँ पे क्या बच गया, बालक ही, ठीक है दामिन जी, क्या बच गया, बालक ही, इतना ही बच गया। अब हमें यहाँ संगीता कार्य करना है, वो सूत्र आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बालक और ई। अब देखो ये पूरा मिलके एक ही पद है ना, एक ही पद बनने जा रहा है, कैसे, पद संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से अष्टाध्यायी में, सुप्तिगंतम पदम नह के सिति च स्वादिशो सर्वनाम स्थाने, चार सूत्र हैं, ठीक है, तो उनमें से यहाँ कौन सा लगता है, सुप्तिगंतम पदम, सुप प्रत्यय अंत में है जिसके, ये सुप प्रत्यय है ना, ये घी क्या है, सुप प्रत्यय है, ये अंत में है जिसके, उसकी क्या, उसका क्या नाम हो जाता है, पद नाम हो जाता है, सुबंत का नाम क्या हो जाता है, पद, और जब भी कोई पद बन रहा होता है तो पदे नित्या संहिता भवती, ठीक है, नित्या पदे, नित्यैक पदे, संहिता वाला श्लोक बोलिए एक बार, संहितैक पदे नित्या, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, तो संहिता एक पदे नित्या, एक पद में नित्य ही संहिता होनी है ना, तो संहिता होनी है, तो संहितायाम अधिकार में एक सूत्र पढ़ा है आपने, बताइए क्या कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ संहिता करने के लिए, आ और ई मिलके क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, कौन से सूत्र से, षष्ठ अध्याय में संहितायाम सूत्र है ना, वहां पे एक सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, आद गुण, क्या पढ़ा है, आद गुण, उसका अर्थ स्मरण है कि भूल गए, आद गुण निकालिए, अष्टाध्यायी निकालिए, अनुवृत्ति बताते हैं आपको, तो फिर आप लोग अर्थ बताएंगे, देखिए आद गुण हमें किस किस की अनुवृत्ति आ रही है, एक तो संहितायाम पद की ही अनुवृत्ति आ रही है, फिर इको यणची से अची की अनुवृत्ति आ रही है, और एक पूर्व परयोः सूत्र से एक पूर्व परयोः की अनुवृत्ति आ रही है, बस इतनी ही अनुवृत्तियां, तो अब एक एक करके अर्थ बताते जाएंगे, संहितायाम माने संहिता विषय में, आत, आत ये पंचमी का एक वचन है ना, आत माने किससे उत्तर, अवर्ण से उत्तर, अ का पंचम्यंत है ना ये, जैसे राम का रामात, वैसे अ का रूप क्या होता है, आत, तो आत माने अवर्ण से उत्तर, संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर, अची माने अच के परे रहते, पूर्व परयो हो गुण एक, गुण एकादेश हो जाता है, तो याद आ गया सूत्रार्थ, एक बार फिर से बोल लीजिए, आद गुण का क्या अर्थ है, अवर्ण से उत्तर, अच के परे रहते, पूर्व पर, अब बात समझ में आई आप लोगों को, देखिए इधर देखिए, संगीता विषय है, संगीता विषय है, अवर्ण से उत्तर, ये अ है ना, इस अवर्ण से उत्तर अच परे है, ये अच में आ जाते हैं कि नहीं आते है? तो अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते, पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाता है, गुण एकादेश हो जाता है, गुण किसको कहते हैं अमन जी, हाँ अदेंग गुण को गुण कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, अदेंग गुण, इसका अर्थ क्या है, अदेंग गुण अ और ई, अ ए ओ, हाँ गुण संज्ञक होते हैं, बैठिए यहीं पे छिपा हुआ है ना अर्थ, देखो अत और एंग, अत माने अकार और एंग माने एकार ओकार, तो अकार एकार ओकार गुण संज्ञक होते हैं, अदेंग गुण का अर्थ क्या हो गया, अकार एकार ओकार गुण संज्ञक होते हैं, ठीक है, आद गुण जहां जहां लगता है वहां वहां उसकी सहायता करने के लिए कौन आ जाता है, अदेंग गुण भी आ जाता है, ठीक है, तो अदेंग गुण ने आके बता दिया कि इन दोनों के स्थान में कौन हो जाए, गुण हो जाए, गुण हो जाए माने अ ए ओ हो जाए, ठीक है, अ ए ओ हो जाए,
लेकिन साथ में कहा था कि गुण एकादेश होना है। एकह शब्द भी तो अनुवृत्त हो रहा था ना, एकह पूर्व परयोह से किस शब्द की अनुवृत्ति हो रही थी, एकह की अनुवृत्ति भी हो रही थी। गुण एकादेश करना है, तो अब इन तीनों को तो नहीं कर सकते ना, एक ही करना है, तो कौन सा एक किया करें? कैसे पता चले? स्थानेंतरतम। हाँ, सहायता करने के लिए कौन भी आएगा गुण की? स्थानेंतरतम। हाँ, वो क्या बोलता है? स्थान में सदृशतम आदेश हो जाता है। स्थान में सदृशतम आदेश होता है, तो सदृशतम किस दृष्टि से देखेंगे हम? वर्णों के स्थान की दृष्टि से देखेंगे। तो अकार का स्थान क्या है? अकूह विसर्जनीयाः कंठ्याः। और इकार का स्थान क्या देखेंगे? इचुयशास तालव्याः, ये तालु स्थान वाला है। ठीक है, ऐसे ही इधर से ये अकार देखें तो कंठ स्थान वाला है। एकार का स्थान क्या रहेगा? ए दैतौ कंठ तालव्यौ, तो कंठ और तालु स्थान है एकार का। और ओकार का स्थान क्या होता है? ओ दौतौ कंठोष्ठौ, तो कंठ भी स्थान है और ओष्ठ भी स्थान है। ठीक है, कंठोष्ठ स्थान वाला ओकार है। तो बताइए, अकार और इकार से सबसे ज्यादा कौन मिलता है? एकार मिलता है ना। देखिए, इसका स्थान जो है वो कंठ और तालु है, और इधर से इनका स्थान भी क्या है? कंठ और तालु। तो अकार और इकार के स्थान में क्या हो जाया करेगा? एकार हो जाएगा। अब इस आदगुण की बाधा करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो इसलिए अकार और इकार मिलके क्या हो जाता है? एकार। बालके, जो शब्द हमें चाहिए था वो बन जाता है। ठीक है, बालके, बस इतना सही कार्य है। कुछ विशेष कार्य नहीं है ना बालके में, तो कोई भी सूत्र नया नहीं है, सब आपने पहले से पढ़ा हुआ था। क्या क्या किया दोबारा आवृत्ति करते हैं एक बार। बालक प्रातिपदिक था, उस प्रातिपदिक बालक शब्द था हमारे पास, उस शब्द के सबसे पहले हमने क्या कर ली? प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। कौन से सूत्र से? अर्थवद प्रातिपदिकम। फिर क्या किया हमने? ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस सूत्र से 21 प्रत्ययों की उत्पत्ति कर ली। ठीक है, 21 प्रत्यय प्राप्त हो गए। एक साथ हाथ हो सकते नहीं ना 21 प्रत्यय, तो 21 प्रत्ययों केवल प्राप्त हो गए। ठीक है, फिर 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हुई, तो उन सब 21 प्रत्ययों की हमने क्या कर दी? विभक्ति संज्ञा। विभक्तिष्ठ सूत्र क्या बोलता है? सुपों के त्रिकों की और तिंगों के त्रिकों की विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है, सुप के त्रिकों की और तिंग के त्रिकों की विभक्ति संज्ञा होती है, तो विभक्ति संज्ञा हो गई। फिर विभक्ति संज्ञा करने के बाद क्या करते हैं? विभक्ति नियम कर लेते हैं। वो कौन से सूत्र से होता है? ये क्या बोल देता है? अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति ही होती है, अन्य कोई विभक्ति नहीं होती। तो अन्य सारी जो 6 विभक्तियां हैं वो हट जाती हैं, केवल कौन से प्रत्यय बचते हैं यहाँ पे? बालक शब्द से घी और सुप, 3 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें तो 3 भी नहीं चाहिए, इसलिए उनमें से एक को रखने के लिए आगे क्या करते हैं? वचन संज्ञा करते हैं। पहले कौन से सूत्र से? सुपह सूत्र से। फिर वचन नियम कर लेते हैं, कौन से सूत्र से? द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। तो बालक शब्द से क्या प्रत्यय आ जाता है? घी। एक वचन संज्ञक घी प्रत्यय आ जाता है। घी की संज्ञा कर देंगे तो क्या बचेगा? ई, इतना ही बचेगा, बालक ई। अब यहाँ पे जो है वो बालक ई, एक संधि कार्य प्राप्त है केवल, कौन सा? आदगुण। ठीक है, आदगुण हो जाता है। तो अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाता है? गुण एकादेश। वो गुण एकादेश अ और ई के स्थान में क्या हो गया? ए हो गया। तो क्या बन गया हमारा? बालके। ठीक है, बालके, यही ध्यान रखना है। बालक से घी आ गया, फिर अ और ई मिलकर के आदगुणः होकर के क्या हो गया? बालके। ठीक है, अब सप्तमी का द्विवचन देख लेते हैं। सप्तमी का द्विवचन तो बिल्कुल षष्ठी के द्विवचन जैसे ही है। बालक का यो हो आपने बनाया है ना पहले, बालक का यो हो। तो क्या क्या सूत्र लगाएंगे?
बाकी सब सूत्र तो वैसे ही है ना, सारे कार्य करके बालक शब्द से, बालक शब्द से हम क्या ले आएंगे, ओस प्रत्यय ले आएंगे। कार्य सारे पूर्ववत है ना, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर आगे क्या करें, ज्ञा प्रातिपदिकात सौजस अमौचस सूत्र से 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी, फिर विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, उसके बाद सप्तम्य अधिकरणे च से विभक्ति नियम हो जाएगा, गी और सुप्तिम प्रत्ययों की प्राप्ति हो गई, उनमें से क्या हो जाएगा, फिर सुपह से वचन नियम कर लेंगे, और फिर द्वेकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से क्या करेंगे, हम वचन नियम करेंगे, सुपह से वचन संज्ञा कर लेंगे और द्वेकयोर द्विवचनैक वचने से क्या करेंगे, वचन नियम कर लेंगे, ठीक है। द्वित्वर्थ में क्या होता है, द्विवचन प्रत्यय ही होता है, अन्य प्रत्यय नहीं होते, और द्विवचन संज्ञा किसकी की थी हमने, ओस प्रत्यय की थी, तो इसलिए बालक शब्द से क्या हो जाएगा, ओस प्रत्यय हो जाएगा, तो बालक ओस। फिर आगे क्या करें, देखिए सप्तम अध्याय खोलिए, सप्तम अध्याय तृतीय पाद, हम ये सूत्र पढ़ चुके हैं ना, सुपी च बहुवचने झल्लेत ओसी च, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, आप षष्ठी का द्विवचन बना चुके हो ना, वहां पे क्या लगाया था हमने, ओसी च, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ओसीच का अर्थ क्या है, अदंत अंग, इससे पहले अंग संज्ञा करेंगे, क्योंकि ये ओसीच सूत्र किस अधिकार में पढ़ा हुआ है, अंगस्य के अधिकार में पढ़ा हुआ है, तो अंग संज्ञा कौन से सूत्र से कर लेंगे, हाँ यस्मात् प्रत्यविधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र से अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में ओसीच सूत्र लग जाएगा। ओसीच सूत्र क्या बोलता है, ओस के परे रहते भी अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, अंग संज्ञा कौन से सूत्र से करते हैं, यस्मात् प्रत्यविधि तदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् प्रत्यविधि जिससे प्रत्यय का विधान होता है, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान होता है, प्रत्यये उस प्रत्यय के परे रहते तदादि अंगम, तदादि शब्द अंग संजक होता है, प्रकृति आदि शब्द अंग संजक होता है, बालक प्रकृति से ओस प्रत्यय का विधान हुआ है, ठीक है, बालक प्रकृति से ओस प्रत्यय का विधान हुआ है, इस ओस के परे रहते, ओस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द की अंग संज्ञा हो जाती है, तदादि माने प्रकृति आदि शब्द की, अब ये प्रकृति आदि कैसे है, शून्य के आदि में है, नहीं तो ये प्रकृति ही है ना मात्र, प्रकृति आदि तो होगा नहीं, इसको शून्य के आदि में मान करके क्या बोल देते हैं, प्रकृति आदि शब्द है, ठीक है, तो प्रकृति आदि शब्द की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा, तो ओस के परे रहते दामिन जी किसकी अंग संज्ञा हुई, बालक शब्द की अंग संज्ञा हो गई, किसकी अंग संज्ञा हो गई, बालक शब्द की अंग संज्ञा हो गई, फिर अंगस्य के अधिकार में कौन सा सूत्र है, ओसी च, वहां पे देखिए निकाल के देखिए क्या क्या अनुवृत्तियां आ रही हैं ऊपर से, अतो दीर्घो यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, और बहुवचने झल्लेत से किसकी अनुवृत्ति आ रही है, एत की अनुवृत्ति, पृष्ठ संख्या 78 निकालिए, पृष्ठ संख्या 78 78 ओसीच सूत्र मिल गया 104 नंबर, ठीक है, तो ओसीच में किस किस की अनुवृत्ति आ रही है, अतो दीर्घो यहीं से अतः की अनुवृत्ति आ रही है, आप लोग भूल गए, अतः की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य की अनुवृत्ति तो आ ही रही है और एत की अनुवृत्ति आ रही है, अब इसका अर्थ करना है, देखिए अतः षष्ठी का एक वचन है, एत प्रथमा का एक वचन है, ओसी सप्तमी का एक वचन है, च अव्यपद है, ये आपको पता ही है, और अंगस्य की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो ये जो अतः पद है ये किसका विशेषण है, अंगस्य का विशेषण है,
और जो विशेषण होता है उसका अष्टाध्यायी में क्या अर्थ हो जाता है? विशेषणांत अर्थ हो जाता है। तो अतः अंगस्य माने अर्थ क्या बन गया? अकारांत अंग, ठीक है। अतः अंग माने अकारांत अंग और षष्ठी विभक्ति लगाई हुई है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? अकारांत अंग के स्थान पर, ठीक है, अकारांत अंग के स्थान पे प्रथमा का क्या अर्थ हो जाता है? होता है। तो एक माने एकार आदेश होता है, अकारांत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है। ओसी, ओसी माने सप्तमी है तो ओस के परे रहते। अब इसको घटाइए, अकारांत अंग है, बालक की आपने अंग संज्ञा की थी ना, अकार इसके अंत में है तो इसलिए ये बालक शब्द क्या हो गया? अकारांत अंग हो गया। क्या हो गया? अकारांत अंग हो गया। तो इसको ओस के परे रहते क्या हो जाएगा? एकार आदेश हो जाएगा। सूत्र का अर्थ फिर से दोहराइए, ओसी च का अर्थ क्या हो गया? एकार आदेश हो जाता है ओस के परे रहते। तो ओस परे है, ओस के परे रहते अकारांत अंग को क्या कर देना है? एकार आदेश करना है। अब वो एकार आदेश कहाँ हुआ करेगा? अलोन्त्यस्य से अंतिम अल के स्थान में होगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य क्या कहता है? हाँ, षष्ठी, दोहराइए एक बार, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया आदेश, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य। अब ये जो एकार आदेश करने जा रहे हैं हम औसीच्य सूत्र से, ये षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया है, कैसे पता चला? हाँ, ये अतः अंगस्य क्या है? ये षष्ठी निर्दिष्ट है, ठीक है। तो अकारांत अंग को ही तो कार्य कह रहे हैं ना, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कह रहे हैं, ठीक है, षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कह रहे हैं। वो कार्य किसके स्थान में हुआ करेगा? अंतिम अल के स्थान में। अंतिम अल माने क्या सिमरन जी? बालका में अंतिम अल क्या है? क्या है आकांक्षा जी, क्या है अंतिम अल? क, हाँ, अ। अंतिम अल क्या है? ये अकार। बैठिए, अल माने क्या होता है सिमरन जी? सब भूल गए। अल माने क्या है? अल प्रत्याहार है ना, कहां से लेके कहां तक? अ से लेकर के ल तक, अ ई उण के अ से लेकर के ल तक, हल्के ल तक। बैठिए, तो अल माने क्या हो गए? सारे के सारे अक्षर, ठीक है। अल माने क्या हो गए? सारे के सारे अक्षर। तो षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य अंतिम अल के स्थान में होना है। अंतिम अल के स्थान में होना है माने अंतिम अक्षर के स्थान में होना है, ठीक है। तो बालक का अंतिम अक्षर क्या है? अकार। उस अकार को कार्य हो जाएगा। अकार को क्या कार्य कर दिया हमने? अकार को क्या कार्य किया? एकार। तो अकार हटा करके हम क्या लिख देंगे? एकार लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? बालक के ओस। अब यहाँ एक संधि कार्य प्राप्त हो जाता है, वो भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या कार्य प्राप्त हो जाता है? एचो यवायावह। संगीतायाम इस अधिकार में एक सूत्र है, क्या? एचो यवायावह। वो सूत्र क्या बोलता है? हाँ, संगीता विषय में एच के स्थान में अय अव आय आव आदेश क्रमशः हो जाते हैं, ठीक है, अच के परे रहते। एक बार फिर दोहराइए, क्या बोलता है एच यवायावह सूत्र? एच के स्थान में अय अव आय आव आदेश क्रमशः हो जाते हैं, ठीक है, क्रमशः हो जाते हैं। तो ए के स्थान में क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। तो अय हो जाएगा, तो क्या हो गया? ये बालकय और ओस, बालकय ओस, तो क्या बन जाएगा मिला करके? बाल कयोस। और स को विसर्ग करने की प्रक्रिया आपको याद है कैसे करें?
तो सबसे पहले क्या करें, सुप्तिंगदन्तं पदम, क्योंकि आपका जो सस सजुषोरुः सूत्र है वो किसके अधिकार में पढ़ा हुआ है, पदस्य के अधिकार में, तो पहले पद संज्ञा तो करनी पड़ेगी। तो सुप्तिंगदन्तं पदम, फिर ससजुषोरुः, वो क्या बोलता है, सकारांत पद और सजुष पद को रु आदेश हो जाता है। तो ये सकारांत पद है कि सजुष पद है? सकारांत पद है, इसको क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। वो रू कहाँ आकर के बैठेगा, सकार के स्थान पे। कैसे पता चला, हलोन्त्यस्य ससजुषोः में जो ससजुषोः षष्ठी का द्विवचन है ना, तो षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कहा जा रहा है, षष्ठी निर्दिष्ट को कार्य कहा जा रहा है, तो किसके स्थान में होता है, अंतिम अल के स्थान में होता है, अंतिम अल के स्थान में होता है, तो स को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। रू की संज्ञा करने पे क्या बचता है, रेफ। किससे इत संज्ञा होती है, उपदेशे जननासिका, इससे इत संज्ञा हो जाती है, तो क्या बचता है हमारे पास, बालकयोर। फिर आगे क्या हो जाता है, खरवस्थानयोर विसर्जनीय से रेफ को विसर्ग करना है, लेकिन उसके लिए अवसान संज्ञा भी तो चाहिए ना, पहले खर तो परे है नहीं, तो पहले क्या करेंगे, विरामो वसानम, विरामो वसानम से अवसान संज्ञा हो जाती है। फिर अवसान संज्ञा होके क्या हो जाएगा, खरवसानयोर विसर्जनीय। हाँ, वो सूत्र क्या बोलते हैं, खर के परे रहते या अवसान में, अवसान में रेफ को विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो खर के परे रहते रेफ को विसर्ग होता है, खर तो परे नहीं है लेकिन अवसान में ये रेफ है ना, अवसान में रेफ है, तो इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और इसको विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, बालकयोः, बालकयोः। ठीक है, तो इसमें भी नया सूत्र कोई भी नहीं है, आप ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोहरा लीजिए, बालकयोः के लिए हम पहले सारे अपने 6 स्टेप करके बालक शब्द से क्या ले आते हैं, ओस प्रत्यय। फिर यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, ओसी च अंगस्य अधिकार में पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ती है, अंग संज्ञा। कौन से सूत्र से कर लेते हैं, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम सूत्र से अंग संज्ञा कर लेते हैं। फिर अंगस्य के अधिकार में क्या सूत्र लग जाता है, ओसी च। ओसी च क्या बोलता है, एकार आदेश हो जाता है, उसके परे रहते। ठीक है, तो उसके परे रहते अकारांत अंग को एकार आदेश प्राप्त हुआ। अब ये अकारांत अंग तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इस पूरे के स्थान में एकार नहीं चाहिए, तो कौन सा सूत्र आ जाएगा बीच में, अलोन्त्यस्य, वो क्या बोलता है, षष्ठी निर्दिष्ट को कहा गया कार्य अंतिम अल के स्थान में होता है, तो अंतिम अल के स्थान में हो गया, तो क्या हो गया, बालक ए ओस, ऐसा हो गया, इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो गया, बालक ए ओस। फिर क्या कार्य प्राप्त हुआ संगीता में, एचो यवाया वह, उसने क्या बोला, संगीता विषय में एच के स्थान में अय अव आय आव आदेश क्रमशः हो जाते हैं, अच के परे रहते। अब ये अच परे है ना, अच परे है, तो एकार के स्थान में क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया, बालकयोस। ठीक है, बालकयोस बन गया। फिर स को हमने क्या कर लिया, ससजुषोरुः खरवसानयोर विसर्जनीय। हाँ, तो क्या बन गया हमारा शब्द, बालकयोः। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर एक रूप और रह गया बालकेषु, उसको हम कल देखेंगे। ओम।